नमस्कार दोस्तों, वेलकम अगेन टू मोदी करण इंस्टीट्यूट। लास्ट लेक्चर में हमने ज्योग्राफी में काफ़ी चीज़ें समझी थी, जिसमें हमने प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में जाना, और उसके पहले हमने जाना कि किस तरीके से इंटीरियर ऑफ अर्थ आपके एक्सटर्नल ऑफ अर्थ के बारे में आपको बताने का काम करता है। उसमें हमने ये देखा कि किस तरीके से आपको जो एस्थेनोस्फेयर होता है, एस्थेनोस्फेयर के अंदर आपका हॉट मोल्टन मटेरियल यानी कि एक पिघला हुआ सेमी सॉलिड जो होता है वहां पर पदार्थ देखने को मिलता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं। उसी मैग्मा के कारण हम बहुत सारी जो फॉर्मेशंस देखने को मिलेगी हमें लैंड के ऊपर वो देखेंगे। जैसे आपका क्रस्ट के अंदर हमने देखा कि बहुत सारी चट्टाने मिलेगी हमें, डिफरेंट काइंड ऑफ, है ना, और अर्थ के ऊपर भी हमें बहुत सारी क्या मिलेगी, चट्टाने मिलेगी। चट्टान का मतलब रॉक, ठीक है। जैसे मान लो कि आपने इंडिया में डेक्कन प्लेटो का नाम सुना होगा, डेक्कन प्लेटो यानी कि दक्कन का पठार, जो हमारा साउथ इंडिया वाला एरिया है। साउथ इंडिया वाला एरिया जो डेक्कन प्लेटो है वो आपका किससे बना है, मैग्मा के बाहर आने से बना है ना, और मैग्मा के बाहर आने की घटना को भी कुछ ना कुछ हम लोग नाम देंगे। उसी तरीके से हमारा जो अर्थ का क्रस्ट है, क्रस्ट के ऊपर तो हमने देखा कि किस तरीके से आपका प्लेटियो यानी पठार भी बनेंगे, बहुत सारी फॉर्मेशन होगी। अर्थ के क्रस्ट के अंदर भी इसी तरीके से बहुत सारी फॉर्मेशन देखने को मिलती है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कई बार माइनिंग के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पत्थर वगैरह हैं, सैंड स्टोन है, इस तरीके की चीजें बाहर निकालते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, आपका जो मैग्मा है वो इंटरनल साइड भी निकल रहा है और एक्सटर्नल साइड यानी क्रस्ट के अंदर भी है, क्रस्ट के बाहर भी है। तो हमें बहुत सारी लेंस के बारे में यहाँ पर जानने को मिलेगा, ठीक है। तो जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि मैग्मा के बाहर निकलने की जो प्रोसेस है, यानी कि मैग्मा के बाहर निकलने का जो प्रक्रिया है, उसको हमने कुछ ना कुछ नाम दिया हुआ है। उसका नाम है आपका वोल्केनो। क्या नाम है उसका? वोल्केनो। इसकी हिंदी जो होगी आपकी वो होगी ज्वाला, ठीक है। हिंदी क्या होगी इसकी? ज्वालामुखी, यानी कि वो माउथ, यानी कि वो मुख जो क्या उगल रहा है, ज्वाला उगल रहा है, आग उगल रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, ज्वालामुखी, या फिर क्या बोलेंगे हम इसको, वोल्केनो बोलेंगे, ठीक। जैसे मैंने आपको बताया कि लास्ट क्लास में पढ़ा था कि आपकी क्रस्ट होती है, ठीक है, और क्रस्ट के नीचे आपको क्या देखने को मिलेगा, क्रस्ट के नीचे आपको देखने को मिलेगा बहुत सारा मैग्मा। क्या है ये आपका? मैग्मा। और मैंने आपको यहाँ पर एक प्रोसेस बताई थी, यहाँ पर आपका कन्वेक्शन करंट यानी संवहन धारा कंटिन्यूअसली इस तरीके से चलती रहती है। यानी कि यहाँ पर जो कुछ ना कुछ एलिमेंट, जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होंगे, यहाँ पर आपकी जो एक्टिविटीज होगी जिसका टेम्परेचर बढ़ाएगी, जो हाई टेम्परेचर वाले जो एलिमेंट्स होंगे मैग्मा के वो ऊपर आ जाएंगे, जो ठंडे होंगे वापस नीचे आ जाएंगे, और ये प्रोसेस आपका कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। इसको मैंने आपको क्या बताया था, ये होता है आपका कन्वेक्शन करंट यानी कि संवहन धारा, ठीक। हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से आपके जो टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर मिड अटलांटिक रिज भी बनती है, पढ़ाया था मैंने आपको मिड ओशनिक रिज, यानी ओशन के अंदर भी क्या होता है आपका वोल्केनो ज्वाला जो है आपका लावा है वो बाहर आ जाता है, यानी मैग्मा बाहर आ जाता है, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या देखने वाले कि कितने तरीके से आपका जो है मैग्मा बाहर आएगा वो हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। देखो ज्वालामुखी जो है एक तो बहुत वायलेंटली यानी कि बहुत भयानक रूप से भी बाहर आ सकता है, ठीक है। एक हो सकता है कि बिल्कुल आराम आराम से बाहर निकलता जा रहा है, ठीक। तो दो तरीके हैं, यानी कि हमने यहाँ पर क्या बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से जो इसका वोल्केनो का जो मैग्मा है, मैग्मा के बाहर निकलने का तरीका एक तो क्या होता है सडनली बाहर निकल जाए, और इस तरीके से काफी ऊंचाई तक इसके जो पार्टिकल्स बाहर निकल के चले जाए, ठीक। एक तरीका क्या हो सकता है कि यहाँ से जैसे निकला बाहर, अगर मान लो इसके ऊपर कोई प्रेशर है, तरीके से यहाँ पर बाहर आकर के जमा हो जाएगा धीरे 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 धीरे, ठीक है, जैसा कि हमने देखा था ओशन के अंदर, ठीक। और जो वोल्केनो आपका बाहर निकल करके आएगा, यानी लावा जो बाहर निकल करके आएगा, अब लावा के अंदर बहुत सारे क्या मिलेंगे आपको, एलिमेंट्स भी मिलेंगे और बहुत सारे यहाँ पर गैसेस भी मिलेंगे, ठीक। तो हम यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलेगा, एक तो आपका वाटर वेपर यानी कि जल वाष्प, दूसरा क्या देखने को मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी टॉक्सिक गैसेस में यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। एक मूवी थी रानीगंज, मिशन रानीगंज करके, अक्षय कुमार की एक मूवी थी, जिसके अंदर वो एक इंजीनियर का रोल भी प्ले करते हैं, क्योंकि वो जिस एरिया में होते हैं वहां पर क्या होता है, जो छत्तीसगढ़ या झारखंड का कोई एरिया है वहां पर कोयले की माइनिंग होती है ना, और कोयले की माइनिंग के लिए उनको क्या करना पड़ता है कि अंदर जो गड्ढे खोद करके वहां पर काफी मजदूर वगैरह जाते हैं, और मजदूर वहां पर किसी वजह से फंस जाते हैं,
और वहां पर पता लगता है कि वहां पर क्या मिलेगी, बहुत सारी टॉक्सिक गैसेस मिलेगी, और उन टॉक्सिक गैसेस की वजह से काफी मजदूर हो सकता है वहां पर मर भी जाए। तो उस मूवी के अंदर क्या बताया कि वो टॉक्सिक गैस है वो कहीं ना कहीं अर्थ के इंटीरियर से निकल के आ रही है ना, यानी अर्थ के इंटीरियर के अंदर तो क्या मिलेगा आपको, मैग्मा वगैरह जैसी चीजें मिलेगी, और ये मैग्मा ही क्या करेगा बाहर इस टाइप की गैसेस को भी लेकर के आएगा, और वही गैसेस आपकी जो आपका क्रश के इंटरनल साइड में भी मिलेगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मूवीज के अंदर भी आपको समझ आती है कि माइनिंग के थ्रू भी क्या निकल सकती है, बहुत सारी गैसेस निकलती है, और वो रीजन क्या है, मैग्मा का ही रीजन है। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा वोल्केनो है, हमारा जो ज्वालामुखी है, उसके कितने टाइप्स हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ब्लास्ट। वोल्केनो टाइप्स पहला हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ब्लास्ट, यानी उद्गार के कारण, ऑन द बेसिस ऑफ ब्लास्ट। विस्फोट के कारण यहां पर आपके कितने तरीके के ज्वालामुखी देखने को मिलेंगे। पहला है आपका फिशर, दूसरा है आपका सेंट्रल वोल्केनो। उद्गार के आधार पर मैं बात कर रहा हूं, देखो सेंट्रल का मतलब तो होता है कि बिल्कुल बीच में से निकल करके एकदम से ऐसे इरप्ट हो जाएगा, जैसे मैंने आपको पहले वाले पेज में दिखाया है, और जैसे ये वाला, ठीक है, ये क्या हो गया आपका इरप्ट हो गया, सडनली बाहर आ गया, और एक होगा बिल्कुल आराम से क्रेक करता हो बाहर निकल जाएगा। ठीक, और सेकंड क्या आपका सेंट्रल, फिशर को बोलते हैं हम दरारी ज्वालामुखी, और सेंट्रल को हम बोलते हैं केंद्रीय ज्वालामुखी। देखो ये आपके अर्थ का क्रस्ट है, यहां पर क्या है आपका बहुत सारा मैग्मा, क्या भरा हुआ है यहाँ पर बहुत सारा मैग्मा भरा हुआ है। मान के चलते हैं कि जो अर्थ की क्रस्ट है इसके ऊपर क्या भरा हुआ है आपको बहुत सारा पानी, यानी कि ओशन वाला जो है आपकी ओशनिक क्रस्ट की मैं यहाँ पर बात कर। कैसे ना कैसे ये जो मैग्मा है नीचे वाला, इस मैग्मा को क्या करना है, जैसे ही ये कमजोर जगह देखेगा ये क्या करने की कोशिश करेगा, यहाँ पर बाहर आने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहां से क्या आने लगेगा, मैग्मा यहाँ से बाहर आने लगेगा। ठीक है, जब मैग्मा यहाँ पर बाहर, जब मैग्मा जो है आपका यहाँ पर बाहर आने लगेगा, और हम देख रहे हैं क्या ऊपर से बहुत सारा प्रेशर है, तो प्रेशर की वजह से मैग्मा क्या सडनली बाहर नहीं आएगा, तो इस तरीके से क्रैक से बनाता हुआ क्या करेगा, यहाँ पर साइड में जमा होना चालू हो जाएगा, और ये प्रोसेस आपकी कई लंबे टाइम तक चलती रहती है। ठीक है, तो इस टाइप का जो इरप्शन होगा, इस टाइप का जो लावा बाहर निकलेगा, कैसे, क्रैक्स के थ्रू, यानी दरार के थ्रू जब बाहर निकलेगा, तो इसको हम क्या बोल देंगे, फिशर या फिर दरारी। इसको मैं लास्ट क्लास में बता चुका था कि इसका जो फॉर्मेशन होगा कैसे होगा, मान लो ये प्लेट एक है, ये सेकंड प्लेट है, और यहाँ पर क्या होगा आपका ये मैग्मा यानी कि लावा आपके यहाँ पर जमा होना चालू हो जाएगा, और इससे क्या बनती है हमारी मिड ओशनिक रिज बनती है। क्या बनती है इससे हमारी मिड ओशनिक रिज, मिड तो पहला टाइप था कौन सा, पहला यानी कि फिशर या फिर दरार। सेकंड क्या है आपका, सेकंड है आपका सेंट्रल, ठीक है। अब सेंट्रल को देखो कैसे समझेंगे, है ना, मैंने आपको दो तरीके बताए, एक तो बिल्कुल आराम आराम से, आराम आराम से क्या कर रहा है आपका ज्वालामुखी बाहर निकल रहा है, एक होगा कि उसको जैसे जगह मिले वो क्या करेगा इरप्ट होकर के बाहर आ जाएगा। ये कोई प्लेट है टेक्टोनिक प्लेट, प्लेट नंबर वन, और ये है आपकी टेक्टोनिक प्लेट, प्लेट नंबर टू। ठीक, जैसे ही प्लेट नंबर वन जो आपकी सबडक्ट हो जाएगी, यानी कि मैग्मा के अंदर यहाँ पर जो आपकी है ये चली जाएगी, मैग्मा के कॉन्टेक्ट में आना यहाँ पर चालू हो जाएगी, ये प्लेट नंबर वन है जिसकी डेंसिटी कम है, घनत्व कम होने की वजह से तो ऊपर रहेगी, प्लेट नंबर टू जिसकी डेंसिटी ज्यादा है ये नीचे चली जाएगी, नीचे चली जाएगी तो ये वाला जो हिस्सा है ये क्या हो जाएगा आपका मेल्ट होना चालू हो जाएगा। ठीक है, जब ये हिस्सा आपका मेल्ट होना चालू हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरिया
कमजोर हो जाएगा और सडनली यहां पर आपका जो लावा है जगह देख करके यहां पर क्या होगा, वॉयलेंटली यहां पर बाहर निकलना चालू हो जाएगा। ठीक है, एक छेद बना करके इस तरीके से छेद बना करके यहां से निकलना चालू हो जाएगा। जैसे आपने दिवाली के टाइम पे वो एक अनार वगैरह जैसा कुछ आता है, इस टाइप का कुछ क्रैकर्स आते हैं, पटाखे आते हैं, ठीक है, उसमें जैसे यहाँ पर हम लोग आग लगाते हैं, क्या करता है, सडनली बहुत वॉयलेंटली यहाँ पर बिहेव करता है और बहुत सारे जो बारूद है वो किस फॉर्म में, आग के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। उसी तरीके जो सेंट्रल वाला आपका वोल्केनो होगा वो भी ऐसे ही बाहर निकलेगा, कमजोर जगह देखेगा और यहाँ से आपका वोल्केनो बाहर निकलना चालू हो जाएगा। इवन जो इसकी हाइट है इतनी ऊपर तक चली जाती है, यहाँ से जो राख निकलती, जो एशेज निकलते हैं, इनकी हाइट इतनी ज्यादा ऊपर तक चली जाती है कि कई बार, या फिर देखो कि कुछ टाइम ऐसा नोट किया गया है या फिर ऐसा रिपोर्ट किया गया है कि जो एरोप्लेन है जिस हाइट पर उड़ते हैं, कितने हजारों फीट की हाइट पर उड़ते हैं, उतने हजारों फीट की हाइट पर भी क्या पहुंच चुका था, ये इनका इरप्शन के जो है पार्टिकल्स या फिर एशेज पहुंच चुकी थी। तो यहाँ पर हमने क्या जाना, वोल्केनो आपके अभी हमने देखा पहला टाइप, पहले टाइप के अंदर हमने दो बात करी। पहले टाइप में क्या आपका ऑन द बेसिस ऑफ ब्लास्ट, यानी कि ब्लास्ट के बेसिस पे, एक तो होगा आपका फिशर और एक होगा आपका सेंट्रल। फिशर के अंदर हमने देखा कि अगर ऊपर से कुछ प्रेशर है या फिर जो वॉयलेंट अगर बिहेव नहीं करता है वोल्केनो तो कैसा हो जाएगा, आराम आराम से बाहर निकलेगा और आराम से वहां पर जमना चालू हो जाएगा। ठीक है, मैग्मा होगा आपके इनसाइड और मैग्मा जैसे धरती पर या फिर आपके क्रस्ट तक पहुंच जाएगा, उसको क्या बोल देंगे हम, लावा बोल देंगे। और सेंट्रल में हमने क्या देखा कि जो वॉयलेंटली जब बाहर निकलता है आपका लावा, उसको क्या बोलेंगे हम, सेंट्रल वोल्केनो। ठीक है, ये हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ ब्लास्ट। ठीक है, अब देखेंगे हम यहां पर ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी, जैसे इसका नेचर है उस तरीके से, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी का मतलब होता है आवर्त होना, किसी चीज का बार बार होना या फिर नहीं हो रहा है ना, कि क्या वो बार बार वोल्केनो आ रहा है या फिर वोल्केनो नहीं आ रहा है या फिर कभी कभी आता है। देखो इसको हम लोग देख सकते हैं कि ह्यूमन की लाइफ साइकिल से भी जोड़ सकते हैं ना, कुछ लोग होते हैं जो हमेशा क्या होंगे आपके वर्किंग रहेंगे, काम करते रहेंगे, काम करते रहेंगे। ठीक, कुछ लोग होते हैं जो कभी कभी काम करते हैं या फिर मान करके चलो जैसे कुंभकर्ण है ना, तो कुंभकर्ण क्या होता था कि उसको लगता था जब खाने की खुशबू आ रही है तो वो क्या करेगा, उठ जाएगा, उसकी नींद खुल जाएगी, थोड़ा बहुत काम करेगा, खाना वाना खाएगा, फिर वापस लंबे टाइम के लिए सो जाएगा। तो इस टाइप का भी हमें वोल्केनो मिलेगा। और कुछ लोग हो जाएंगे जो एट द एंड हम लोग को क्या होना है, खत्म ही होना है। तो कुछ वोल्केनो कैसे मिलेंगे आपके, हमेशा के लिए मृत यानी कि डेड। तो कितने टाइप के वोल्केनो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी तीन टाइप के। पहला होगा आपका एक्टिव यानी कि सक्रिय, दूसरा होगा यहाँ पर डोरमेंट यानी कि सुषुप्त, थर्ड यहाँ पर क्या होगा आपका सिंगल यानी कि वो वोल्केनो जो आपका मर चुका है वो होगा मृत। पहला है आपका एक्टिव वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो क्या होंगे आपके, फ्रिक्वेंटली आपके आते रहेंगे, यानी कि नियम अनुसार रूल अनुसार जो भी देखो आप, इनका एक नियम है, हमें क्या करना है कंटिन्यूटी बनाकर रखनी है। एक्टिव वोल्केनो क्या करना है, कंटिन्यूसली इनको क्या करना है, इरप्शन होते रहना। जैसे इंडिया के अंदर हम बात करें तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखने को मिलेगा बेरन, अंडमान निकोबार में है ना, बेरन आइलैंड भी है यहाँ पर, ठीक है, बेरन आइलैंड नाम सुना आपने। अंडमान निकोबार में आपको इंडिया का ओनली एक्टिव ज्वालामुखी जो मिलेगा उसका नाम क्या है, यानी ये कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, इनके अंदर लावा का जो है इरप्शन होता जा रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, एक्टिव वोल्केनो। सेकंड होगा आपका सुषुप्त, सुषुप्त का मतलब जो फ्रिक्वेंटली नहीं आते हैं। तो आपके फ्रिक्वेंटली नहीं होंगे, देखो जैसे इसका एक एग्जांपल है आपका विस्यूवियस, ठीक है। थर्ड कौन सा आपका एक्सटेंट यानी कि जो हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं, विल नॉट इरप्ट इन
फ्यूचर, ठीक है। एक्टिव डोरमेंट और एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट का एक एग्जांपल क्या है आपका, फुजियामा जापान के अंदर। फुजियामा जो है आपका क्या है, आपका एक्सटिंक्ट वोल्केनो है। तो सबसे पहला हमने यहाँ पर देखा एक्टिव वोल्केनो, दूसरा देखा हमने डोरमेंट, थर्ड देखा हमने यहाँ पर एक्सटिंक्ट। पहला है एक्टिव, यानी कि इसके अंदर हमने एक एग्जांपल इंडिया का देखा, उसका नाम क्या है, बेरन, या फिर एक एग्जांपल और इसका स्ट्रोम्बोली, ठीक है। और इसका एग्जांपल हमने क्या देखा, विसुवियस, और इसका एग्जांपल हमने देखा यहाँ पर माउंट फुजियामा। आपने एक कोटोपेक्सी का नाम सुना होगा, अगर आपको पता होगा तो कोटोपेक्सी भी एक तरह क्या है आपका वोल्केनो है। वो कौन सा वोल्केनो, आपका एक्टिव वोल्केनो। तो हमने यहाँ पर क्या बात करी, पहले हमने देखा यहाँ पर कि इरप्शन के आधार पर तो देखो कि एक तो फिशर हो गया और एक सेंट्रल हो गया। यहाँ पर हमने बात करी कि उनके पीरियोडिसिटी के आधार पर, तो सिंपल है, एक तो एक्टिव होगा यानी कि जो आप बार बार क्या होंगे पीरियोडिकली आते रहेंगे, एक होगा आपका डोरमेंट जो कभी कभी अगर आ जाए तो ठीक, जैसे कुंभकर्ण है ना, कभी कभी काम कर लिया तो ठीक है, बाकी टाइम सोते रहेंगे। और एक होगा आपका एक्सटिंक्ट यानी कि मृत हो चुके हैं, जो हमेशा के लिए क्या हो चुके हैं, मृत हो चुके हैं। ऐसा किस कारण से होता होगा, जो आपके अर्थ के अंदर जो लावा है ना, यानी कि जो मैग्मा है, वो मैग्मा क्या करता है कंटिन्यूअसली प्रोसेस में कभी कहां पर आपका ट्रेवल करता रहता है, ठीक। जहां जहां पर उसको कमजोर जगह मिलेगी वहां पर तोड़ करके क्या निकल जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा। और कभी कभी क्या होता है कि एक ऐसी जगह पर आपका जो मैग्मा आकर के इकट्ठा हो जाता है, जहां पर क्या होता है उसको कोई स्ट्रोंग जमीन मिल जाएगी, या फिर एक ऐसा लैंड का पार्ट क्या होगा जहां पर उसको मजबूत जमीन मिल जाएगी, तो वहां से बाहर निकल नहीं पाएगा। जब वहां से बाहर नहीं निकल पाएगा तो उसको तो एनर्जी तो है, वो एनर्जी उसको कहीं ना कहीं खर्च करनी है, तो किस फॉर्म में खर्च करेगा, कहीं ना कहीं या तो एक्टिव वोल्केनो बन जाएगा, या फिर इसको जैसे जगह मिली, अच्छा यार हम कभी ना कभी यहाँ पर आकर के हम क्या कर रहे थे, इरप्ट हुए थे, तो उसको जगह मिल गई, तो यहाँ आकर क्या कर देगा, इरप्ट कर देगा, ठीक है। आपके बात समझ आएगी यहाँ तक। नेक्स्ट हम समझेंगे कि जो हमारे वोल्केनोज होते हैं उनकी वजह से कितने आपके लैंडफॉर्म्स बनते हैं, हमारी जो रॉक्स हैं, पत्थर है, चट्टान है, हमारा जो सैंडस्टोन है, वो सब किसकी वजह से बना, आपके वोल्केनो की इरप्शन की वजह से बना है। हम पढ़ेंगे वोल्केनिक लैंडफॉर्म, वोल्केनिक है आपकी अर्थ की क्रस्ट, ठीक है, आपका क्रस्ट, यहां पर हम बनाएंगे मैग्मा। ठीक है, मैग्मा क्या कर रहा है, बैठा बैठा मैग्मा क्या काम है यहां पर, कहीं ना कहीं हमें क्या देखना है, एक ऐसी जगह देखनी है जिससे हम क्या करें बाहर निकल के आ जाए, यानी कि मैग्मा के पास क्या एनर्जी है, तो एनर्जी क्या चाहिए, कहीं ना कहीं खर्च होना चाहिए, तो मैग्मा क्या करेगा यहाँ से कहीं जगह निकाल देगा, ठीक है। मान लो क्रस्ट के अंदर की साइड मैग्मा ने यहाँ पर बाहर आना चालू कर दिया, लेकिन क्रस्ट के अंदर तक तो आया है वो, लेकिन क्रस्ट के बाहर नहीं आ सका, क्रस्ट के कहाँ पर आया, अंदर तक आ गया, ठीक है। यानी क्या कर रहा है वो, क्रस्ट के अंदर की साइड ही क्या बना रहा है, वो लैंडफॉर्म बना रहा है। जब मैग्मा क्रस्ट के इनसाइड यानी क्रस्ट के अंदर ही लैंडफॉर्म बनाएगा तो उसको हम बोलेंगे इंट्रूसिव लैंडफॉर्म, क्या बोलेंगे उसको, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म, ठीक है, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म। अब इंट्रूसिव में बहुत सारी तरीके की डिजाइन बनाएगा, ठीक है, और जो इंट्रूसिव वाली होंगी ना वो जनरली क्या होगी, आपकी ग्रेनाइट होगी, इंट्रूसिव वाली क्या होगी, आपकी ग्रेनाइट, ग्रेनाइट जो पत्थर आता है, आपने नाम सुना, तो ग्रेनाइट का एक तरीके से इंट्रूसिव जो मैग्मा होगा, जो मैग्मा का जो लैंडफॉर्म होगा, जो अंदर की साइड क्रस्ट के अंदर की साइड बना होगा, वो होगा आपका ग्रेनाइट, ठीक है। एक तो ये तरीका है, इस तरीके से बाहर निकलता गया और यहाँ पर एक डोम शेप बना, गुंबद के बराबर क्या बना लिया, एक शेप बना लिया, तो शेप के आधार पर भी इनका नामांकन किया गया है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका नाम हो जाएगा बेथोलिथ, बेथो, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पर इसको जैसे भी क्रस्ट के अंदर जहां पर भी जैसे भी जगह मिलेगी लावा को, वो क्या करेगा यहाँ पर ट्रेवल करना चालू कर देगा। अब देखो, मान लो इस तरीके से इसने एक शेप बना ली है, ठीक है, इस शेप को हम क्या बोल देंगे, ठीक।
उसके बाद ऐसे ही अंदर बहुत सारी शेप बनाते रह गए, मान लो कि इस तरीके को शेप बन गई यहाँ पर, इस शेप को क्या बोलते हैं हम, डाइक। ठीक है, बस शेप के आधार पर देखना आपको कि जैसे जैसे इनकी शेप होती जाएगी, यानी कि डंडी जैसा हो गया तो उसको क्या बोल देंगे हम, डाइक बोल दें। और यहाँ पर क्या है, आपका बिल्कुल स्लेट होता है ना, स्लेट मतलब फ्लेट, मान लो स्लेट, मान लो स्लेट जो आपके बचपन में काम आती थी, तो स्लेट जैसा हो जाएगा तो उसको क्या बोल देंगे हम, हिल बोल देंगे। ठीक, मान लो अगर लैंडफॉर्म ऐसा बन रहा है, चांद के जैसा अगर लैंडफॉर्म बन रहा है, कटोरी जैसा लैंडफॉर्म बन रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लेपोलिथ। और इसी तरीके से अगर मान लो उल्टा शेप बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, उसको क्या बोल देंगे हम, लेकोलिथ। ठीक है, तो हमने क्या देखा है यहाँ पर, एक बेथोलिथ बना, एक लेपोलिथ बना, एक लेकोलिथ बना है, एक सिल बना है और एक डाइक बनाए हैं। तो इस तरीके से आपके क्या होंगे यहाँ पर, बहुत सारे क्या बनेंगे आपके लैंडफॉर्म्स आपके बनते रहेंगे, किसके, आपके इनसाइड ऑफ द क्रस्ट। अब देखो ये भी डोम शेप में है और ये भी डोम शेप में, बेथोलिथ जो होगा वो आपका कहाँ पर बनेगा, डेप्थ में, यानी थोड़ी गहराई में बनेगा और थोड़ा बड़ा शेप भी होगा। ठीक है, और जो आपका ऊपर की साइड में बनेगा डोम शेप में, वो क्या होगा आपका, लेकोलिथ। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो शेप है मैंने बनाई है, ये कौन सी आपकी, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म है ड्यू टू वोल्केनो। अब हम बात करेंगे वोल्केनो जब बाहर आना चालू हो जाएगा। ठीक है, ये देखें अगर वोल्केनो यहाँ से आपका बाहर आना चालू हो जाता है, मान लो कोई एरिया है यहाँ से वोल्केनो चालू हो जाता है। ठीक है, क्या कर रहा है वोल्केनो, यहाँ पर बाहर निकल गया, यानी कि मैग्मा बाहर निकल गया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, लावा बन जाएगा। और जब ये बाहर फॉर्मेशन बनाना चालू करेगा तो उसको क्या बोल देंगे, तो बोलते हैं एक्सट्रूसिव वोल्केनो। और यहाँ पर जो आपकी जनरली रॉक्स बनेगी या फिर जो आपका लावा की फॉर्मेशन होने के बाद ठंडा जब लावा होगा तो इसको बोला जाएगा बेसाल्ट, तो बेसाल्ट रॉक बोला जाता है। ठीक, तो हो गया आपका एक्सट्रूसिव और क्या हो गया आपका, इंट्रूसिव। अब एक्सट्रूसिव के अंदर भी डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म बनेंगे। ये जो पाइप है, ये जो पाइप दिखाई दे रहा है ना, जहां से आपका लावा निकल करके आ रहा है, ये जो पाइप है, इस पाइप को हम बोलेंगे वेंट। वेंट क्या बोलेंगे इसको, वेंट। ठीक है, और ये जो शेप बनती जा रही है यहाँ पर, कैसी शेप बनती जा रही है आपकी, कॉनिकल शेप बनती जा रही है। जैसे बाहर निकलेगा कैसे बनता जाएगा शेप, इसकी कॉनिकल बनती जाएगी, तो इस शेप को क्या बोल देंगे हम, कौन शेप बोल देंगे। और इसी तरीके से अब देखो लावा को तो क्या करना है, जैसे तैसे बाहर निकलना है, तो बाहर निकलने का एक तरीका तो दिखा, बिल्कुल स्ट्रेट होकर के चला गया। अब मान लो कि लावा ने कहीं यहाँ पर अंदर और जगह ढूंढ ली, ठीक है, इससे जैसे यहाँ पर अंदर और जगह ढूंढी तो यहाँ पर भी क्या बनना लग जाएगा, यहाँ पर एक और वेंट बन गया, एक और वेंट बन गया, तो यहाँ से भी क्या निकलना चालू हो जाएगा आपका, लावा निकलना चालू हो जाएगा। जब लावा यहाँ से भी निकलेगा और यहाँ पर भी आपकी कॉनिकल शेप बना लेगा, कैसी शेप बना लेगा, कॉनिकल शेप बना लेगा, इसको बोलेंगे हम पैरासाइट कोन। पैरासाइट, पैरासाइट का मतलब पता है क्या होता है आपको, परजीवी। जैसे ह्यूमन बॉडी हो या फिर एनिमल्स के ऊपर जो भी बैक्टीरिया या फिर जो भी एनिमल, जो भी जीव किसी और जीव की बॉडी को एज ए फूड यूज करता है या फिर उसके ऊपर ही रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट बोलते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर इस कोन का जो मेन कोन देखा हमने, इस कोन के अलावा अगर यहाँ पर एक और कोन बन जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पैरासाइट कोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पैरासाइट कोन बोलेंगे। ठीक है, अब देखो अब वोल्केनो यहाँ पर ही बाहर निकल रहा है। ठीक है, बहुत सारी जगह यहाँ पर मैंने आपको कौन बताया, वेंट बताया और पैरासाइट कौन बताया। ठीक, वोल्केनो जैसा अगर यहाँ पर आराम आराम से बाहर निकलता जाता और फैलता जाता, ठीक है, ये फैलता गया आपका वोल्केनो, यहाँ पर क्या हुआ आपका, फैलता गया। तो यहाँ पर इसने थोड़ा अपलैंड जैसा एरिया बना लिया, यानी कि एक हाइट वाला एरिया बना लिया। ठीक है, इस हाइट वाले एरिया को हम बोलेंगे प्लेटिंग। क्या बोलेंगे, प्लेटिंग, प्लेटिंग यानी कि पठार। जैसे आपका डेक्कन प्लेट्यू है,
तिब्बतन प्लेटू, तिब्बत का पठार और दक्कन का पठार है, ये भी किसकी फॉर्मेशन, आपके लावा की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, ठीक। और इसको क्या बोलेंगे, भी बेसाल्ट की बनी हुई रॉक है। चलिए, यानी कि एक बार यहां से निकल गया तो निकलने के बाद यहां पर आपका क्या बन गया, प्लेट्यू बन गया। अब आगे देखो, इसी क्रम में अगर हम आगे देखें तो यहां पर आपका कहीं ना कहीं और तरीके से लावा निकल ही रहा है ना। अब लावा अगर हर लेयर बाय लेयर निकलता जाए, एक लेयर बन गई, फिर दूसरी लेयर बन गई, फिर तीसरी लेयर बन गई, यानी कि जब लावा क्या कर रहा है, आपका लेयर बाय लेयर निकलता जा रहा है, यानी कि पहली लेयर, फिर कुछ टाइम बाद फिर सेकंड लेयर, फिर थर्ड टाइम बाद फिर थर्ड लेयर, फिर आपके कुछ टाइम बाद फिर और लेयर, यानी कि जब लेयर बाय लेयर आपका क्या निकलेगा, लावा निकलेगा, तो उसको बोलेंगे ट्रैप। क्या बोलेंगे, ट्रैप। सेकंड ट्रैप का नाम सुना होगा आपने, है ना, तो वहां पर भी क्या हुआ होगा, कहीं ना कहीं आपका लेयर बाय लेयर क्या निकला होगा, आपका लावा निकला होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, डेक्कन ट्रैप। अब देखो, ट्रैप पढ़ा हमने, प्लेट्यू पढ़ा, अब एक बात देखो यहां पर कि ये वाला एरिया ले लो आपका, वेंट वाला एरिया ना, अगर वेंट वाला जो एरिया है इसके अंदर जो आपका लावा भरा हुआ है, ठीक है, अब लावा अगर कभी ना कभी ठंडा हो जाए, बिल्कुल ऐसे शांत पड़ जाए, ठीक, यानी कि इस पाइप में अगर लावा ठंडा हो गया, इस पाइप में अगर लावा रखा रखा अगर ठंडा हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, जाम हो जाएगा, जाम हो जाएगा, तो इससे लावा नहीं निकल पाएगा, तो इसको फॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे, प्लग। क्या बोलेंगे इस फॉर्मेशन को, हम प्लग बोलेंगे, एल यू, इसको बोलेंगे हम प्लग। जब लावा है जो एक जगह आकर के वेंट के अंदर है, जब ठंडा हो जाएगा पाइप के अंदर, इसको क्या बोल देंगे, प्लग। प्लग का मतलब होता है किसी चीज को बंद कर देना उस तरीके से, मान लो, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा, हमने आज यहाँ पर हमने जो सबसे पहले देखा है वो हमने देखा है कि एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव क्या होता है। एक्सट्रूसिव का मतलब जब आपका जो लावा है बाहर निकल के आ जाएगा सतह से, और इंट्रूसिव का मतलब जब लावा है आपका क्रस्ट के अंदर ही जमा हो जाएगा, क्रस्ट के अंदर जमा हो जाएगा तो डिफरेंट फॉर्मेशन में जमा होगा, उनकी डिजाइन यानी कि शेप के अकॉर्डिंग हमने क्या दे दिए, नाम दे दिए। जैसे मान लो कि अगर गुंबद शेप में है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, आपका पेथरीट बन जाएगा, और अगर आपका इस तरीके कटोरे जैसा शेप है तो क्या बन जाएगा, आपका लेपोलिथ, और इसी तरीके से यानी गुंबद यानी कि डोम शेप वापस मिल जाएगा, लेकिन आपको थोड़ी हाइट पे मिलेगा तो उसको बोलेंगे लेकोलिथ, ठीक है, और इस तरीके से रखा हुआ बिल्कुल फ्लैट मिल जाएगा, ऑलमोस्ट फ्लैट, तो उसको बोल देंगे सिल, और इसको बोल देंगे हम डाइक। अच्छा, एक और पैटर्न यहाँ पर आपको इंटरनली देखने को मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, जैसे गुफाएं होती ना गुफाएं, तो यहाँ पर मान लो कि इस तरीके से यहाँ पर क्या निकल रहा है, आपका लावा निकल रहा है ना। अब लावा अंदर उसने क्या, यहाँ पर कुछ जगह देखी ऐसी है ना, उस जगह के अंदर जाकर के लावा जब इस तरीके से सर्पिलाकार आकार में, सर्पिलाकार में अगर फिट हो जाता है, अगर स्पाइरिकल आकर के यहाँ पर फिट हो जाता है, तो ऐसी जो लावा की फॉर्मेशन होगी, इस लावा की फॉर्मेशन को हम क्या बोल देंगे, तो बोलेंगे हम फेकोलिथ, फेको, ठीक है। क्या बोला, अगर स्पाइरिकल शेप में आकर के अर्थ के क्रस्ट के अंदर ही अगर ये जमा हो जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, फेकोलिथ। और जैसे बाहर आ जाते, बाहर तो हमने देखा कभी प्लेटियो बनागा, कभी आपका ट्रैप बनेगा, कभी क्या बनेगा, आपका वेंट कौन बन जाएगा, कभी पैरासाइट कौन बन जाएगा, ठीक, यहाँ तक बात समझ आई। अब देखो कि यहाँ पर मैं दोबारा एक लावा की फॉर्मेशन बनाता हूँ ना, मान लो कि जो कौन बना हुआ है आपका, और यहाँ पर क्या आपका ये पूरा एरिया अपना, ठीक है, ये एक एरिया है व्हाइट कलर का, जहां ये क्या बना हुआ आपका कोन बना हुआ है, और इस कोन में से क्या निकलेगा आपका, लावा निकलता जाएगा बाहर, ठीक। लावा निकलने के बाद यहाँ पर जो इसका माउथ होगा, यहाँ पर आपकी क्या बनेगी, कुछ फॉर्मेशन बन जाएगी, कुछ शेप बन जाएगी ना, जब आपका यहाँ पर इस तरीके की छोटी सी शेप बनेगी, इसके माउथ पे इस यू शेप बन जाएगी, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, क्रेटर, यानी कि एक डिप्रेशन बन जाएगा, एक गड्ढा बन जाएगा, लावा जब यहाँ से आना बंद हो जाएगा ना, तो एक गड्ढे जैसी शेप बन जाएगी, इसको क्या बोलेंगे, क्रेटर।
ठीक है, लेकिन जैसे ये जो गड्ढा है, ये गड्ढा अगर थोड़ा और बड़ा हो गया, यानी कि डिप्रेशन और बड़ा हो गया, यानी कि पहले जब आपका लावा यहाँ से निकला होगा, फिर यहाँ पर बंद हो गया होगा, तो यहाँ पर क्रेटर जैसा गड्ढा बन गया, ठीक है, फिर बाद में लावा यहाँ से वापस निकलना चालू हुआ और यहाँ पर और बड़ा गड्ढा हो गया और डिप्रेशन हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं हम, कालडेरा। क्या बोलेंगे इसको, कालडेरा, ठीक है। यानी कि जो आपका माउथ होगा, ज्वालामुखी यानी कोन का जो माउथ होगा, माउथ के अगर शेप के अंदर इस तरीके से छोटा बना हुआ है, छोटा सा अगर डिप्रेशन बना हुआ है, तो इसको क्रेटर बोलेंगे। और ये डिप्रेशन अगर बड़ा हो गया, जैसे आपके वो कड़ा होता है ना, कढ़ाई जैसा अगर हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं, कालडेरा बोल देंगे। अब देखो, अगर गड्ढे बने हुए हैं तो कभी ना कभी ऐसा होगा कि बारिश भी होगी, और ये गड्ढों के अंदर क्या होगा, जब पानी भर जाएगा तो इससे क्या बन जाएगी, आपकी लेक भी बन जाएगी। क्या बन जाएगी, इससे लेक बन जाएगी। मान लो इस तरीके से यहाँ पर पानी बन गया, ठीक है, ये पानी भरा हुआ है, तो क्या होगी आपकी, कालडेरा लेक, ये होगी आपकी क्रेटर। यानी दो टाइप की लेक की बात करी, क्रेटर लेक और कालडेरा लेक। क्रेटर और कालडेरा बनने के पीछे रीजन क्या है, जो डिप्रेशन बन जाता है उनको क्रेटर बोलेंगे, या फिर हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे कालडेरा बोलेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स। पहला है आपका इंट्रूसिव, लिख देता हूँ आपके लिए, और ये आपका इंट्रूसिव। इंट्रूसिव के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, इंट्रूसिव के अंदर हमने पढ़ा पैथोलिथ, पैकोलिथ और लेपोलिथ, पैकोलिथ लाइक, और क्या पढ़ा था, पैथोलिथ हो गया, लेपोलिथ हो गया आपका, लेपोलिथ हो गया, सेल डाइक और फेपोलिथ हो गया, ठीक। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या था आपका, में हमने क्या क्या पढ़ा, लेटियो पढ़ा, लेयर पढ़ा, लेयर बाय लेयर, है ना, ठीक। उसके बाद हमने इसमें और क्या पढ़ा था, प्लेटियो, ट्रैप, कौन पढ़ा, पैरासाइट कौन पढ़ा, हमने क्रेटर के बारे में जाना, हमने जाना कालडेरा के बारे में जाना। क्रेटर का नाम आपने सुना होगा, जैसे मून की सरफेस से क्रेटर के बारे में बताया जाता है, तो क्रेटर क्या होता है, जनरली एक तरह डिप्रेशन है ना, गड्ढा, गड्ढे को क्या बोल देंगे हम, क्रेटर बोल देते हैं। तो हमने आज ये जो लेक्चर में समझा है, एक बार मैं बता देता हूँ, और एक फोटो में दिखाना चाहूंगा आपको, ये जो पिंक कलर से हाईलाइटेड एरिया है ना, इसको बोला जाता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं पैसिफिक रिंग फायर। फायर का मतलब आप, अच्छा, और जो वोल्केनो वर्ड है ना, वोल्केनो वर्ड जो बना है आपको, वोल्केन से बना है, वोल्केन का मतलब होता है ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर गॉड ऑफ फायर, ठीक है। तो फायर का मतलब आपका पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का मतलब क्या होगा, ये वो एरिया है, जब मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो टेक्टोनिक प्लेट्स है, यहाँ पर आपस में काफी ज्यादा टकराती है, टकराने की वजह से यहाँ पर आपके अर्थक्वेक भी देखने को मिलेंगे, अर्थक्वेक के साथ साथ आपको यहाँ क्या देखने को मिलेंगे, वोल्केनो भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर वोल्केनो की इरप्शन कंटिन्यूसली होती रहती है, या फिर सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी यहाँ पर देखने को मिलती है, इस कारण से इस एरिया को बहुत एक अर्थक्वेक प्रोन एरिया भी देखा जाता है, वोल्केनो प्रोन एरिया भी देखा जाता है। यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग काफी जो लोग रहते हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या रखते हैं, अपने बचाव के तरीके अपनाते रहते हैं, ठीक है। तो ये जो एरिया है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ये इसलिए समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमें जो टेक्टोनिक प्लेट्स की जो थ्योरीज है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से प्रूव होती है आपकी, चलती जाती है कि हाँ यार प्लेट्स क्या कर रही है, आपकी एक दूसरे से मूवमेंट कर रही है, और मूवमेंट की वजह से यहाँ पर क्या होंगे, आपके वोल्केनो का इरप्शन भी होता रहेगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में जो हमने वोल्केनो के बारे में पढ़ा, उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा, और कुछ भी अगर आप फीडबैक देना चाहते हैं वीडियोज के बारे में, आप कमेंट में बिल्कुल लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।